ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। मैं पंडित सुब्रत कुमार मिश्रा और ये हैं हमारे सुधांशु खत्री। आज का जो विषय वस्तु है ये है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का विषय वस्तु है। सुधांशु जी, रुद्राक्ष एक बहुमूल्य औषधि है। इसको कोई भी पहन सकते हैं, औषधीय गुण इसमें है। ग्रह रत्न, जैसे ग्रह से संबंधित रत्न पहनते हैं, वैसे ग्रह राशि से संबंधित रुद्राक्ष भी लोग पहनते हैं। इसका बहुत साइड इफेक्ट, सबसे बड़ी बात है कि साइड इफेक्ट है। तो इसमें आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं? ये हमारे व्यूअर्स के कुछ प्रश्न है जो मैं आपसे आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक मुखी रुद्राक्ष जो लोग पहनते हैं तो वो आप अपनी सलाह देते हैं कि नेपाली पहनना चाहिए। तो एक मुखी नेपाली उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध तो है, आसान नहीं है और लोगों को मिल भी नहीं पाता है, लोग भ्रमित हो जाते हैं। एक मुखी असली है या नकली है उससे भ्रमित है, प्योर नेपाली से भ्रमित नहीं मिल पा रहे। तो एक मुखी की जगह पे वो क्या पहने कि वो परफेक्ट उनके लिए हो? देखिए सुधांशु जी का जो प्रश्न है वो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रुद्राक्ष कई जगहों से उत्पन्न होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नेपाली रुद्राक्ष का महत्व है। उसके प्रभाव भी काफी देखे जा चुके हैं अन्य रुद्राक्ष पर। तो सवाल सुधांशु जी का है कि एक मुखी नेपाली तो अत्यंत दुर्लभ है। तो ये सही बात है सुधांशु जी कि एक मुखी नेपाल के दाना यानी नेपाली दाना एक मुखी अत्यंत दुर्लभ है। अगर कोई वीडियो बना रहे हैं या कोई शेयर कर रहे हैं तो वो मिथ्या है, झूठ है। एक मुखी उपलब्ध ही नहीं है। अंधमुख रुद्राक्ष या किसी रुद्राक्ष चार मुखी तीन मुखी पंच मुखी में एक ही मुख उभरा हुआ है लेकिन उसके अंदर चार तीन पांच बीज पाए जाते हैं तो वो अंधमुख है, वो एक मुखी है ही नहीं। एक मुखी अत्यंत दुर्लभ है। तो एक मुखी के जगह पे हम किस मुख के रुद्राक्ष को पहन के लाभ उठावे? देखिए अगर संभव हो तो रामेश्वरम का एक मुखी पहनिए। अगर इस पे भी अगर कहीं ये भी उपलब्ध नहीं है तो एक मुखी के जगह पे आप 12 मुख के रुद्राक्ष को पहन सकते हैं, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष और 12 मुखी रुद्राक्ष दोनों ही भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय रुद्राक्ष है। तो जहां पे एक मुखी की उपलब्धता नहीं हो पा रही है उस जगह आप एक मुखी के जगह पे 12 मुख का रुद्राक्ष पहन के लाभ पाओ। 12 मुखी एक मुखी की जगह पे 12 मुखी रुद्राक्ष पहन के आप लाभ पाओ। एक क्वेश्चन और भी आ रहा है, प्रश्न कि 14 मुखी रुद्राक्ष लोग बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं, 14 मुखी किस काम के लिए? ये भी क्वेश्चन आपका जो प्रश्न है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक मुखी के जगह पे 14 मुखी, देखिए 14 मुख का रुद्राक्ष जो है ये साक्षात हमारे अनल रूप जो है, हमारे शिव स्वरूप है 14 मुख का रुद्राक्ष। और 14 मुख रुद्राक्ष जो है ये शनि देव को अत्यंत प्रिय है, बहुत ही ज्यादा प्रिय है 14 मुख रुद्राक्ष। जिस तरीके से 7 मुख का रुद्राक्ष शनि ग्रह की प्रसन्नता के लिए धारण किया जाता है उसी प्रकार 14 मुख रुद्राक्ष शनि की प्रसन्नता हेतु धारण किया जाता है। लेकिन 7 मुखी के तुलना में 14 मुख का रुद्राक्ष काफी अधिक प्रभावशील है, काफी प्रभावशील है। यानी आपके कुंडली में अगर शनि की स्थिति सही नहीं हो, शनि की ढैया चल रही हो, शनि की 7.5 चल रही हो या शनि की महादशा वो अंतरदशा चल रही हो और शनि आपके लिए सही नहीं है तो उस नतीजन में आप 14 मुखी रुद्राक्ष पहनकर अत्यंत लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। शनि की कुदृष्टि से आप बच सकते हैं, उनकी अनुकूलता आप पे रहेगी, उनके दुष्प्रभाव से आपका बचाव होगा। तो 14 मुखी का इतना महत्व। तो मुखी रुद्राक्ष पहन के काफी लाभ उठा सकते हैं।
बहुत प्रभाव है 14 मुख का। आप अगर न्याय से रिलेटेड हैं, आप जज हैं, परिवार में मुखिया हैं, प्रधान हैं, शनि से पीड़ित हैं, या आप नेक मतलब चाहते हैं जो किसी भी चीज में आपका जजमेंट सही हो इस सिचुएशन में, या आप लगभग रोग से ग्रस्त, रोग भी आपको परेशान कर रहे हैं, शत्रु भी परेशान कर रहे हैं, तो इन चीजों से 14 मुख का जो रुद्राक्ष है ये काफी लाभ देता है, काफी देखा गया है, काफी लाभ देता है। यहाँ पे बहुत सारे नेपाली रुद्राक्ष ही रखे हुए हैं, तो यहाँ पे सारे नेपाली रुद्राक्ष है एक मुख छोड़ के, और ये मतलब देख सकते हैं आप, कैमरामैन थोड़ा नजदीक से लीजिए सारे रुद्राक्ष के मुख को, तो इससे दर्शकों को ऐसा लगे कि यहाँ जितने भी रुद्राक्ष हैं ये एकदम पूरा प्राकृतिक नेपाली रुद्राक्ष हैं, और इसमें किसी भी तरह के कृत्रिम को छोड़ के, एक मुखी को छोड़ के इसमें किसी भी तरह के कृत्रिम प्रयोग नहीं किए गए, पूर्ण रूपेण प्राकृतिक है। इसके एक एक मुख को आप देख सकते हैं, रुद्राक्ष में प्राकृतिक रुद्राक्ष में आजकल कटिंग भी करके 5 मुख का है, तो जैसे ये अगर 5 मुख के रुद्राक्ष है तो 2 मुख के बीच में मशीन से कट कर दिए हैं, तो उसको 10 मुख 8 मुख ऐसे करके मार्केट में सब, लेकिन यहाँ जितने भी हैं वो पूर्ण रूप से प्राकृतिक। तो आज के लिए और कोई जानकारी नहीं, काफी आपने अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई। तो सुधांशु जी, हम छोटा सा वीडियो बता दें आपको जानकारी के लिए, आपके वैवाहिक जीवन में अगर परेशानी है तो गौरी गणेश रुद्राक्ष को धारण करके लाभ उठा दें, छात्र को गौरी गणेश रुद्राक्ष दें, या किसी स्त्री को संतान होने में दिक्कतें आ रही हैं, समस्या हो रही है, संतान नहीं उत्पन्न हो रहे, तो उस में आप गौरी गणेश रुद्राक्ष को पहन के लाभ उठा सकते हैं। 9 ग्रह के लिए आप मेष राशि की बात करते हैं, शॉर्टली हम बता दें, मेष राशि और वृश्चिक राशि ये दोनों के स्वामी मंगल हैं, तो आप लाल धागा में 3 मुखी रुद्राक्ष को पहन के लाभ उठा सकते हैं। दूसरी राशि वृषभ और तुला, जिसके स्वामी शुक्र देव होते हैं, तो 6 मुखी रुद्राक्ष को सफेद धागा में आप उसे धारण करके लाभ उठा सकते हैं। तृतीय राशि मिथुन और छठी राशि कन्या, जिसके स्वामी बुध होते हैं, तो आप हरा धागा में 4 मुखी रुद्राक्ष को पहन के लाभ उठा सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए दर्शकों से ये अपील करता हूँ कि जो भी अगर अपने कुछ प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं तो हमारे बाबा जी से पूछ सकते हैं, वो अपने कमेंट कर सकते हैं, जिससे उनको सही जानकारी प्राप्त होगी। अब बारी है कर्क राशि की, कर्क राशि वाले जातकों के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष अत्यंत लाभकारी होता है, आप इसे सफेद धागा में धारण कर सकते हैं। उसके बाद आती है सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए 1 मुखी रुद्राक्ष है, और 1 मुखी रुद्राक्ष अगर उपलब्ध ना हो तो 12 मुखी रुद्राक्ष आप लाल धागा में या गुलाबी धागा में पहनकर लाभ उठा सकते हैं। अब बारी आती है नवम राशि धनु और द्वादश राशि मीन राशि की, जिसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं, तो इन राशि वाले जातकों के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष या 10 मुखी रुद्राक्ष पीला धागा में पहन के लाभ उठा सकते हैं। अब 2 राशि बची हुई है शनि से संबंधित, मकर राशि और कुंभ राशि, इन राशि वाले जातकों के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष और उससे भी ज्यादा अगर ऊर्जा चाहिए, ज्यादा प्रभाव चाहिए, तो 14 मुखी रुद्राक्ष को आप बैगनी कलर के धागा में पहन के आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये थी हम जानकारी कि रुद्राक्ष को भी राशि के अनुसार आप धारण कर सकते हैं विशेष लाभ पाने के लिए। रुद्राक्ष का कोई भी नकारात्मकता प्रभाव नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसको आप बेहिचक पहन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसी तरह से नई नई जानकारियों को लेके आएंगे, रत्नों के बारे में या अन्य तथ्य जो भी है उसके बारे में जानकारी लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय शिव शिव।